हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद रामाशर में। आज हम आप सभी के लिए यूपी टेट सी टेट के लिए बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं, जिनमें आप बाल विकास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम 150 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला लेकर आपके सामने आएंगे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन दूसरा है 206, तीसरा ऑप्शन है 230 और चौथा ऑप्शन है 270। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 4, 270। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए है 3 माह में, 9 माह में, 8 माह में अथवा 6 माह में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, वो होगा 3 माह में। जी हाँ दोस्तों, बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 450 ग्राम, 450 ग्राम और 400 ग्राम। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का आदर्श काल माना जाता है किशोरावस्था और शैशवावस्था, सिर्फ किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सिर्फ शैशवावस्था। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शैशवावस्था। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8934044153। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैसरीन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, लंबात्मक विधि। या दोस्तों, आप किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना है एक जटिल, ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया अथवा नैतिक प्रक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर 3 होगा, इसका उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया। बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ। भारत में बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1887, 1879, 1590 एंड 1930। यह दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर 4, 1930 में, 1930 ईस्वी में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में अथवा किशोरावस्था में। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा गर्भावस्था, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालिकाएं बालकों से अधिक तीव्र गति से बढ़ती हैं। हम बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की तरफ। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, किस कारण से रोता है? यही आपको डिक्लेयर करना है, भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण अथवा भूख के कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकेंड वाला, वातावरण में परिवर्तन के कारण। जो बालक रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है तत्परता का नियम, एकता का नियम अथवा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए है परिवर्तन है, गणनात्मक, ऑप्शन ए है ऑप्शन है गुणात्मक और चौथा ऑप्शन है बी है नकारात्मक। जी हाँ दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गुणात्मक। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है केवल आकार से, ऑप्शन 2 है आकार व भार से, ऑप्शन 3 है केवल भार से और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आकार व भार से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
ऑप्शन ए है, विकास हमेशा रेखीय होता है। दूसरा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तीसरा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और चौथा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो राइट आंसर होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन पढ़ने में समय लग रहा है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप फटाफट देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा तीसरा, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सेकंड, समस्या के प्रति जागरूकता। बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शन ए है 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो राइट आंसर होगा इसका 10 से 20 वर्ष। हमारा 19वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएँ, अभिवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड होगा असुरक्षा, इस पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नंबर है 20वां, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण, दमन। तो राइट आंसर होगा प्रक्षेपण। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोज सबसे पहले मिलते रहें। हमारा 21वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था जो होती है वही किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से अवस्था संबंधित है। हमारा 22वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, वह पहला आंसर ही होगा, आंसर ए सही है, आत्म गौरव। हमारा अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है? जेम्स ड्रेवर का, हरलॉक का, मैकडूगल का या फिर मुनरा का? जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन जो सेकंड सही है वो है हरलॉक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करता है या उसको करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भाषा विकास, दूसरा है व्यक्तिक मूल्य, तीसरा है सामाजिक परिपक्वता और चौथा है सामाजिकरण। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा सामाजिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले कौन हैं? स्टेनली हॉल, जॉन एंड सिप्सन, गैसल या गोडफ्रे? जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सही ऑप्शन है स्टेनली हॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, शरीर तथा मन संबंधी अथवा बौद्धिक? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो होना चाहिए वो शरीर तथा मन संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए किशोरों में अध्ययन की जटिल व्यवस्था के लिए, जटिल अवस्थाओं में यही होना चाहिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं? हेडो रिपोर्ट, रेबेंट्रमसी, ईफील या जीन पियाजे? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही मैंने क्लिक कर रखा है, राइट आंसर होगा जीन पियाजे। 28वां प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है? पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, शारीरिक विकास। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल गया था,
29वां प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, नहीं है। स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई या अवबोध की क्षमता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, इससे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लालच। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 30 प्रश्न था जो कि बाल विकास से संबंधित प्रश्न था, और हम आपके लिए 150 की पूरी श्रृंखला है उसको लेकर आए हैं, आप उसको देखते रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।